हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट टू, क्लास फोर्थ का है, फर्स्ट चैप्टर उसका पार्ट टू लिखे हैं। तो आज पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, और इनके रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू से। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड में पढ़ा, थर्ड में पढ़ा, फोर्थ में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी जरूर पढ़ेंगे। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 3 5 4 3 2 1, ये नंबर है आपके पास। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, ये लिखा है। ठीक है, ये अब इस पे आपसे मान लीजिए यहाँ आपसे किसी ने कहा कि नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम एक एक नंबर की प्लेस वैल्यू बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले की वन, वन है, वन इंटू कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे है, तो इसको हम लोग वन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वन ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, वन रहेगा, तो कितनी आएगी इसकी, वन। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, टू, टू लिया, तो टू कौन सी प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे है, टेंथ मतलब टेन, टू टेन जब ट्वेंटी लिख दिया हमने। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग हंड्रेड प्लेस पे, हंड्रेड प्लेस पे क्या है, थ्री, हंड्रेड का हम लोग हंड्रेड लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फोर वाले पे, फोर है, फोर्थ पे क्या है, थाउजेंड, क्या है, थाउजेंड, ये हो गया 1000 आपका, फोर को 1000 से किया तो ये हो गया 4000। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइव, तो फाइव कौन सी प्लेस पे, ये देखिए 10000 प्लेस पे है, तो हम इसको भी 10000 से करेंगे, 50000 हो जाएगा। फिर आपका लास्ट वाला कौन सा है, थ्री, थ्री किस पोजीशन पे है, लेग पे, किस पे है, लेग पे, ये आ जाएगा आपका 3 लाख। तो ये जो नंबर है इधर वाले, ये सब इनका क्या है, प्लेस वैल्यू है, क्या है इनकी, ये इनकी प्लेस वैल्यू है, वंस पे है उसकी वन रहेगी, जो टेंस पे है उसको 20 आ जाएगा, उसके पीछे जो नंबर अपने लगेंगे, थ्री पे है, थर्ड पोजीशन पे है तो 300 होगा, फिर थाउजेंड वाली पोजीशन पे है तो 4000 हो गया, 10000 वाली पोजीशन पे तो 50000 हो गया, और थ्री वाली पोजीशन पे आया तो लैक वाली पोजीशन पे आया तो लैक हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लीजिए और सिंपल तरीका क्या होता है, आपने क्वेश्चन लिखा 5 4 2 6 7 1, ये आपका क्वेश्चन था 5,42,671, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको पर नंबर की। हम शुरुआत करते हैं 1 से, 1 को ऐड करके कितना लिखा, 7 लिखा, 7 के पीछे कितने नंबर है, 1 है, एक 0 लग गया, 6 का, ठीक है, सबसे पहले 1 ये, फिर ये, फिर ये 6 है, तो 6 के पीछे कितने नंबर है, 1 2, तो 2 0 लगा दिए, फिर ये होता नाम है क्या है हमारे पास, 2, 2 के पीछे नंबर काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 3 0 लगा दिए, ओके। फिर आते हैं इस पे, क्या है हमारे पास, 4, 4 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4, कितने नंबर है, 4 है, तो हम इसके पीछे 4 0 लगा दिए, 40000 हो गए। फिर आते हैं इस पे, 5 लिखा, 5 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दिए, ये आपकी आ गई प्लेस वैल्यू, क्या आ गया, प्लेस वैल्यू,
अब इसी तरीके से प्लेस वैल्यू आपकी ये है, तो अब फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है इसी क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए ये इनपुट फेस वैल्यू होगी, और इस तरह करते हैं फेस वैल्यू। अब इस नंबर की अगर फेस वैल्यू वन है तो इसकी फेस वैल्यू का मतलब होता है चेहरा, उस नंबर का क्या चेहरा है, तो उस फेस वैल्यू उसी नंबर की वही नंबर ही होता है, भला कोई भी नंबर हो, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0 जो नंबर होगा उसका फेस वैल्यू वही नंबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 था तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा 1, यहाँ पे 2 था इसकी फेस वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे नंबर क्या था 3 था उसकी फेस वैल्यू 3 होगी, इसकी 4, इसकी 5 और इस वाले की 3, समझ गए। फेस वैल्यू यानी कि किसी नंबर का चेहरा, मान लीजिए कोई दो बंदे हैं उनका चेहरा आपको पता है, नाम पता है चेहरा नहीं पता तो कैसे पहचानेंगे, चेहरा पता होना जरूरी है ना, उसी तरह ये इनका चेहरा है 1, 2, 3, 4, 5, 3 ये इनकी प्लेस जगह है, कौन सी जगह में है, ठीक है, ये चीज जरूरी है। आपको फेस वैल्यू पता है, फेस वैल्यू उस नंबर की वही नंबर होगा जो वो नंबर है, ठीक है। तो ये आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है वो देखिएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म वो होते हैं किसी नंबर को उनकी प्लेस वैल्यू के साथ ऐड करना, कोई नंबर दिया गया हो उनको उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बांटना और बीच में प्लस का साइन लगाना। मान लीजिए आपके पास नंबर है एक्सपेंडेड फॉर्म बना दो, मान लीजिए आपको यहां पर 2, 5, 6, 7, 3, 8 ये आपके पास नंबर है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से पहले आपको प्लेस वैल्यू पता है कौन कौन सी है, ये 1s है, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। जैसे कि आपने प्लेस वैल्यू इस वाले चार्ट से किया वो भी कर सकते हैं, 8 को 8 लिखा, 3 को 3 को 10, 30 हो गया, ये आपका 700 हो गया, ये आपका 6000 हो गया, 50,000 हो गया, और ये आपका 2,00,000 हो गया। ओके, ये तो आप जानते हैं ना प्लेस वैल्यू वाले तरीके से कैसे निकालते हैं। तो अब हम इसको आगे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म वाले में सबसे पहले तो हम ये वाला नंबर लिखते हैं सबसे नीचे वाला जो सबसे पहले होता है 2000, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, फिर उसके आगे वाला नंबर क्या है 50,000, फिर प्लस, फिर क्या है उसके ऊपर 6000, 6000 के बाद क्या है 700, 2 प्लस 700 के बाद क्या है 30, फिर क्या है 8 प्लस 8, ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक एग्जांपल और बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 1, 6, 2, 7, 3, 5 ये नंबर है मान लीजिए आपका। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, आप वो तरीका छोड़िए, 1 लिखा, 1 के पीछे नंबर लिख लीजिए कितने 1, 2, 3, 4, 5 कितने 5 है, 5 जीरो में लगा, ओके, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर अगले वाले नंबर पे है, अगला नंबर क्या है हमारा 6, क्या है 6, 6 के पीछे नंबर लिखिएगा 1, 2, 3, 4 कितने हैं 4, तो हमने 4 जीरो लगा दिया, फिर प्लस लगा, फिर अगला नंबर लेगा 2, क्या है हमारे पास 2, 2 के पीछे कितने नंबर है 1, 2, 3, तो हमने 3 लिख दिए, प्लस 7, दो नंबर है 7 के पीछे 2 जीरो लगा दिए, फिर 3,
एक नंबर है प्लस फाइव। ओके ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक तरीका और होता है एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने का, वो भी देखिए। मान लीजिए किसी नंबर को हमें लिखा है, ये था वन, कौन सी पोजीशन पे है? वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो यहाँ हमारा लैख लिखते हैं ठीक। प्लस सिक्स, सिक्स क्या है किस पोजीशन में? टेन थाउजेंड, तो क्या लिखेंगे? टेन थाउजेंड, टी एन थाउजेंड, टी एच ओ यू एस ए एन डी टेन थाउजेंड। प्लस टू किस पे? थाउजेंड पे, तो टू थाउजेंड। प्लस सेवन हंड्रेड, प्लस थ्री टेंस, प्लस फाइव वन। ये भी आपका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। तो ये तो बात होगी एक्सपेंडेड फॉर्म की। इधर वाला पूरा ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये जितनी है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ठीक है। अब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से लिखिएगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस टू प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस थ्री, ये नंबर हो गया आपके पास। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है। अब इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, यानी कि इन सबको मिला के ऐड करके। तो ऐड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हम क्या करते हैं यहां से लिखना शुरू करते हैं। इसका हम लोग जीरो छोड़ के फिर टू लेंगे, टू दाना इसका जीरो छोड़ के सेवन ले लिया, इसके जीरो छोड़ के सिक्स ले लिया, इसके जीरो छोड़ के टू ले लिया, इसका जीरो छोड़ के ये ले लिया फाइव, और ये थ्री आपको मिल गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपका रेडी हो गया ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। आपकी स्क्रीन पे आपकी एक्सरसाइज है, देखिए। तो एक्सरसाइज फर्स्ट वन क्या कहती है? मेक द पीरियड्स बाय प्लेसिंग द कॉमा एंड राइट द पीरियड्स प्लेस प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। इसमें जिन जिन कलर्ड किए गए हैं उनका फर्स्ट वाला आपको करके दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। अब इसमें कलर डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो देखिए कैसे लिखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए वाला है, थ्री सेवन नाइन फाइव, थ्री सेवन नाइन फाइव फोर थ्री, ये वाला नाइन आपका कलर है। इसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी, प्लेस वैल्यू क्या लिखनी? पहले तो नाइन लिख लीजिए ओके। अब नाइन के पीछे कितने नंबर है? ये वन टू थ्री, वन टू थ्री जीरो लगा दिए, ये इसकी क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी ठीक है। इसी तरह आपको आगे सारे क्वेश्चन करने हैं इसके सेकंड वाले के। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी आपको करके दिखाया था मैंने, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, वो सब लिखे हुए आपको सिर्फ फिल करना है कहां पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर भी सेम है, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का मैं डी वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ, डी वाला कैसे करते हैं ठीक है। तो ध्यान दीजिए डी वाला कैसे करते हैं लोग।
डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 85001 आपका लिखा है 85 क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला पार्ट है 85001। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, कैसे करेंगे, 8 लिखा 1 2 3 4 4 जीरो लगा दिए, प्लस 5 लिखा 3 जीरो लगा दिए, प्लस अब ये दोनों जीरो है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, सीधा हम लोग क्या करेंगे 1 लिख देंगे। ओके ये आपका हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आगे वाले आप लोग करिएगा, फर्स्ट फिफ्थ का फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपको 40,000 लिखा प्लस 200 लिखा प्लस 5 लिखा। ओके अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले तो मैं 4 लिखा, ठीक है 1 2 3 4 कितने नंबर है इसमें से, 4 डिजिट है, लेकिन यहां पे कितने हैं, 1 2 3 3 है, यहां पे ये 3 है, इन 3 को भूल जाइए मिटा दे काट देंगे, बचा क्या ये 0, तो ये 0 हम इसके साथ लिख देंगे क्योंकि यहां पे दूसरे नंबर नहीं है। उसके बाद हम आते हैं यहां पे, ये इसका 2 था, ठीक है फिर आगे देखा ये अकेला है ऐसे, ठीक है तो इसको क्या करना है, एक जीरो यहां का लेंगे 5, अब क्या हो गया 40,205, क्या लिखा है मैंने, ये 40,000 है ये क्या था आपका 200, ये क्या है 5, इसी को मिला रहा है 40,205। ओके ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कंपेयरिंग नंबर्स, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।